हाय दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोग अंधविश्वास में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि दिवाली पर तांत्रिक उल्लू की बलि देते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार तांत्रिक दिवाली पर उल्लू की बलि क्यों देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी ऐसी वीडियो देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तांत्रिकों के लिए दिवाली की रात अमावस्या या चौदस की रात को तंत्र क्रिया करने का विशेष महत्व होता है। विशेषकर सर्वपित्र अमावस्या, दीपावली की रात जैसे मौक़ों पर शमशान साधना की जाती है। दरअसल अमावस्या की आधी रात को महानिशा यानी महाकाली की पूजा की जाती है। तांत्रिकों के लिए यह तारीख काफ़ी मायने रखती है। दिवाली की रात होती है पूजा। तांत्रिकों की माने तो दिवाली की रात माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद आधी रात को महानिशा की पूजा करने का अत्युत्तम समय होता है। 3-4 घंटे चलने वाली इस पूजा में तांत्रिक विशेष साधना करते हैं। कहा जाता है तांत्रिक इस दिन माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू की बलि भी देते हैं। क्यों दी जाती है उल्लू की बलि? दिवाली की रात तांत्रिक साधना के लिए उल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। तांत्रिकों की बात माने तो एक उल्लू से कई परेशानियों से निजात मिलती है। काला जादू करने वालों के अनुसार अगर आप बीमार हैं या आपको संतान नहीं होती या फिर मनचाहा प्यार चाहिए हो या फिर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, इन सभी समस्याओं में उल्लू ही निजात दिला सकता है। तांत्रिकों के अनुसार उल्लू के माध्यम से प्रेत बाधा का भी इलाज किया जाता है। तांत्रिक साधना के लिए उल्लू को सुनसान जगह या फिर शमशान लेकर जाया जाता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिनकी बहुत कम संख्या है। ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं। तांत्रिकों द्वारा दिवाली की रात उल्लुओं की बलि देना एक अंधविश्वास होता है। हर साल अंधविश्वास के चलते कई उल्लुओं की बलि दे दी जाती है। अगर आपको कहीं भी ऐसी हरकतों की सूचना मिले तो अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में शिकायत जरूर दर्ज करें। कल तक लोग उल्लू को देखकर दूर भागते थे, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। खुद उल्लू इंसान को देखकर दूर भाग रहे हैं। हालात यह है कि उल्लू को ही जान के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों देश के कई राज्यों में कुछ लोगों को जहां कहीं भी उल्लू नजर आ रहे हैं वो उसको पकड़ने की फिराक में लग जाते हैं। दरअसल दीपावली आने वाली है और दीपावली के दिन तांत्रिक तंत्र मंत्र को जगाने का काम करते हैं। इसके लिए वह उल्लू की बलि देते हैं। इसको देखते हुए वन विभाग ने लक्ष्मी जी के वाहन उल्लू पर निगरानी बढ़ा दी है। इसके लिए टीमें गठित कर छापे मारे जा रहे हैं। मेरठ, मुरादाबाद, देहरादून और पटना सहित देश के कई शहरों में तंत्र क्रिया करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। दीपावली को देखते हुए देश में उल्लू की बलि की वजह से उल्लुओं की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। पक्षियों का व्यापार करने वाले एक उल्लू को 2 से 20 हजार रुपए तक में बेच रहे हैं। यही नहीं, तंत्र क्रिया करने वाले लोगों ने इसके लिए काफी पहले से एडवांस पैसे भी पक्षी विक्रेताओं के पास जमा करा रखे हैं। पहले यदि किसी आदमी को उल्लू दिखाई दे जाए तो उसे काफी अशुभ माना जाता था, लेकिन इन दिनों अगर उल्लू को कोई आदमी दिख जाए तो समझो वह उसके लिए अशुभ है। बताया जाता है कि उल्लू के वजन, आकार, रंग, पंख के फैलाव के आधार पर उसका दाम तय किया जाता है। लाल चोंच और शरीर पर सितारा धब्बे वाले उल्लू का रेट 25,000 रुपये से भी अधिक है, जबकि वन अधिनियम के तहत उल्लू सुरक्षित प्रजाति है और उसका शिकार करना दंडनीय अपराध है। लेकिन इसके बावजूद इसके चंबल घाटी के मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक से उल्लू की तस्करी की जा रही है। तांत्रिकों का कहना है कि उल्लुओं की पूजा सिद्ध करने के लिए उसे
45 दिन पहले से मदिरा और मांस खिलाया जाता है। वशीकरण और समोहन इत्यादि साधनाओं की सफलता के लिए उल्लू की बलि दी जाती है। आमतौर पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ लोग ही पूजा में उल्लुओं का प्रयोग करते हैं। इस पूजा के लिए लाखों रुपए तक खर्च किए जाते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बैठे बड़े बड़े कारोबारी आजकल इन तस्करों के जरिए सुरक्षित जीव की तस्करी में जुट गए हैं। तंत्र क्रिया के अतिरिक्त उल्लू का उपयोग लोग आयुर्वेदिक इलाज में भी करते हैं। इसके चोंच और नाखून को जलाकर तेल तैयार किया जाता है, जिससे गठिया ठीक होता है। इसके मांस का प्रयोग यौनवर्धक दवाओं में किया जाता है। यही वजह है कि दीपावली के ठीक पहले के कुछ महीनों में उल्लू की तस्करी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर साल भारत के विभिन्न हिस्सों में दीपावली की पूर्व संध्या पर उल्लू की बलि के सैकड़ों मामले सामने आते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि दीपावली की रात को उल्लू की बलि क्यों दी जाती है। वैसे ये करना गलत है। हम अपने फायदे के लिए किसी जीव की बलि नहीं दे सकते। दोस्तों, आप लोग अगर ऐसा कुछ अपने आसपास होते हुए देखते हो तो प्लीज़ उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कीजिए, ताकि इन पर रोक लगाई जाए। तो दोस्तों, दिवाली को खूब अच्छे से मनाइए, मजे कीजिए, लेकिन ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।